वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की एक पोईम हाउ टू टेल वाइल्ड एनीमल्स सो ये जो पोईम है वो किसने लिखी है वो कार लॉयल वेल्स ने लिखी है ठीक है सो so, हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टडी करना सो द ह्यूमरस पोइम्स जेस्ट हाउ द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई फॉर वाइल्ड एनिमल्स रीड द अलाउड कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर राइड तो यहाँ पर क्या कहा है कि किस तरह से हम किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं वो बताया गया है का मतलब यहाँ पर क्या है आइडेंटिफाई ठीक है सो स्टार्ट करते हैं इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस अगर टू अ जंगल इन अ ईस्ट तो अगर कभी आपको चांस मिले जंगल में जाने का जो ईस्ट के जंगल्स हैं वहाँ पर जाने का एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेंटी बीस्ट बीस मतलब दानव आपके सामने एक लार्ज दानव आ जाए इफ़ ही रोरस एट यू एंड यू वर डाइंग और आप पर वो रोर uh, मतलब कि खुंखारे और आपको बस ऐसा लगे कि बस आप मरने वाले हों यू विल नो इट इज़ एन एशियन लॉइन तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है वो एशियन लॉइन है और इफ़ टाइम व्हेन रोमिंग राउंड जब आप घूम रहे हो आसपास रोमिंग राउंड मतलब कि घूमना आसपास अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू एक नोबल मतलब कि आप जो रॉयल एक रॉयल बीस मतलब एक रॉयल दानव आपके सामने आ जाए विद द ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड और उस पर येलो बॉडी uh, पर जो है ब्लैक स्ट्राइप्स हो जस्ट नोटिस ही ईट्स यू आप नोटिस करो कि वो बस आपको खाने वाला है दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन तो ये रूल आपको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि जो आपके सामने है वो क्या है कौन है बंगाल टाइगर इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अब बीस्ट यू व्यू अगर आप घूम रहे हो ठीक है एक दानव आपको दिखे वूज हाइड विद स्पॉट्स इट्स पैपर्ड तो जिस पर जिसके ऊपर पैपर्ड मतलब जो काली मिर्च की तरह स्पॉट्स होते हैं एज सून एज ही वॉज ऑन यू वो आप पर लैप्ट करने की आप पर छलांग लगाने की कोशिश करे यू विल नो इट इज़ अ लेपड तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है लेपेड है ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विद अ पेन हेल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन तो ये रोर नहीं करेगा बस आप पर दोबारा से दोबारा दोबारा क्या करता जाएगा छलांगे लगाता जाएगा इफ़ यू वर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड अगर आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे होफ़ यू मीट अ क्रिएचर देअर अगर आप वहाँ पर ऐसे किसी क्रिएचर से मिल रहे हैं हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड जो आपको बहुत ही टाइट हक कर रहा है बी श्योर इट इज़ अ बियर तो आप श्योर रहो कि वो कौन है बियर है इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो आई गेस हेल्थ गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज तो आपको वो मतलब हो सकता है कि uh, प्यार से हक दे रहा हो ठीक है थ्रू द डिस्टिंगिस्ड बीस्ट ऑफ प्रीज अ न वॉइस माइट नॉन प्लस ठीक है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम हाइना थर्स अगर आपको क्रोकोडाइल और हाइना में डिफ्रेंस नहीं समझ आता तो आप क्या करोगे इस रूल को देखोगे हाइनाज केम विद अ मैरी स्माइल तो हाइना जब भी अपना शिकार देखता है वो एक स्माइल के साथ आता है बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल अगर वो अपना कोई शिकार खाते हुए रो रहा हो दैट मीन्स वो कौन है वो क्रोकोडाइल है तब आप समझ जाना द ट्रू केमिलियन इज स्मॉल तो जो कैमिलियन होता है काफ़ी स्मॉल होता है और लिजार्ड शॉर्ट ऑफ साइज लिजार्ड के साइज़ का होता है ही हैज़ इन टेनी ईयर्स एट ऑल उसके पास कान नहीं होते एंड नॉट अ सिंगल विंग और ना ही कोई विंग होता है इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन अ ट्री अगर कुछ भी नहीं है ट्री पर ट्री खाली है तो आप समझ जाओ दिस इज़ अ चैमेलियन यू सी तो वो कैमेलियन है जिसको आपने देखा है और कैमेलियन क्या करता है अपने कलर को चेंज करता है सो दिस इज द पोएम दैट आई दैट वी रीड टू फॉर दिस वीडियो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग